टेस्ट चार्ज क्यू इज मूव विदाउट एक्सेलरेशन. आपको पता होगा विदाउट एक्सेलरेशन वर्ड कब आया था, पोटेंशियल में जाके पढ़िएगा. जब भी पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी जाती है तो बोलते हैं वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बाय एन एक्सटर्नल फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू सी. देखिए ए पॉइंट यहाँ है और सी पर ले गए, रास्ता वाया बी है, लिखा भी हुआ है ए टू सी अलोंग द पाथ फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी. ए टू बी लेगा फिर बी टू सी इन इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ से यहाँ तक तो लिटरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ही लिखी हुई है. ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो हमें लेटर ई का इस्तेमाल करना अलाउड है. एज शोन इन फिगर कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी. हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है. ऊपर से फील्ड भी यूनिफॉर्म है क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, डायग्राम सवाल में गिवन था. तो फिर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है? हमने बोला आपको हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना. तो हम लिख सकते हैं वी सी माइनस वी ए, क्योंकि बाद में तो सी पे आया. इसका फॉर्मूला अगर अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली ई इंटू डी से, है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी से निकाल सकते हैं. नाउ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई यूज़ करना अलाउड है और डी कितना है, देखो यहाँ पॉइंट है टू और यहाँ पॉइंट है माइनस टू, मतलब बीच में जीरो आया हुआ कहीं ना. एक्स एक्सेस देखिए है ना, वही चेंज हो रहा है, वाई एक्सेस तो चेंज ही नहीं हो रहा ना. सो टू और दो और चले तो चार का फर्क आया ना, चार. तो कितना आंसर आया पोटेंशियल डिफरेंस वी सी माइनस वी ए का, फोर ई. ये हो गया आपका आंसर. फिर पूछ रहे हैं एट विच पॉइंट ऑफ द टू इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एन वाई. ए और सी में पोटेंशियल किसकी ज़्यादा है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, क्योंकि वी घटती है, पोटेंशियल घटती है, इसलिए सी इज एट हायर पोटेंशियल. और यहाँ भी देखो आंसर पॉजिटिव ही आया, तो लिखेंगे सेकेंड पार्ट वी सी इज ग्रेटर देन वी ए. हालांकि ध्यान रखें कि वी सी और वी बी इक्वल पोटेंशियल पर है, क्योंकि ये जो लाइन है ये 90 डिग्री पर है, तो ये जो सरफेस होगा ई की पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा. आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है. तो एनी पॉइंट विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, उस लाइन पर हर जगह पोटेंशियल सेम होगी. अब एक जनरल तरीका बताता हूँ पहले पार्ट को सॉल्व करने का, मैंने पहले सॉल्व कर दिया बोर्ड एग्जाम में कैसे करना. तो कोई जनरल तरीका क्या है? जनरल तरीका होता है डी वी इज माइनस का ई डॉट डी आर. ये जनरल तरीका है और मैं कहूँ तो आपको हमेशा ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है, हमेशा ऐसे करना चाहिए, हमेशा करके दिखाता हूँ. अब क्योंकि ई राइट साइड है, अपनी मर्जी से आप आई कैप ले लो, ले लिया, क्योंकि आई होता है राइट साइड. अब डी आर का मतलब क्या हुआ? डी आर मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हो ना, ए सी सी जा रहे, तो डी आर का मतलब हुआ ए सी, क्योंकि ए सी सी जा रहे. मैंने वेक्टर लिखना सिखाया था, ए सी सी जा रहे तो ऐसे लिखोगे, टेल ए पर होगी और सी पर हेड होगा ए सी. और खोलते कैसे हैं इसको, सी माइनस ए ऐसे खोलते हैं ना. अब मैं ज़रा इसको ओपन करता हूँ ई आई. सी के कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस टू एंड माइनस वन, ये कोऑर्डिनेट है, तो माइनस टू आई माइनस वन जे, ये हो गया सी के कोऑर्डिनेट माइनस. और ये क्या है, टू कॉमा माइनस वन, टू आई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन जे. ये लीजिए हो गया, ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा माइनस ई आई और अंदर माइनस 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 फोर आई, माइनस माइनस प्लस कितना आया प्लस फोर ई, और आई डॉट आई क्या होता है वन. कुछ लोग सोच रहे हो सर क्या इतना आसानी से कर दिया हमने, वेद लगा के सॉल्व कर दिया, क्या कर रहे हो? ये इसलिए कर रहे हो, सी बी एस ई में आज तक थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई, ठीक है, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आई है आज तक सी बी एस ई में. पर जेई मेन्स और नीट के बहुत बेसिक क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री डायमेंशनल आ जाती है, तब आप ये वेद नहीं लगा पाओगे, फिर आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी. अगर अगर आपको इस तरीके से नहीं आता होगा, फिर आपको डॉट प्रोडक्ट से ही करना है. इसी के मैंने बता दिया है तरीका. ये तो चलो ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड है और साथ में उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट है तो आसानी से हो गया आपसे वेद लगा के. लेकिन अगर थ्री डायमेंशनल होगा, आई जे के हुआ तो अभी भी देखो आई कैप है के, वो तो आसानी से इसलिए हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री डायमेंशनल नहीं थी. तो अगर थ्री डायमेंशनल होगी तो कौन बचाएगा डॉट प्रोडक्ट, इसलिए मैंने इस तरीके से भी कर दिया है.